दोस्तों, मैं तारा आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना पीना डॉट कॉम पे। दोस्तों, आज खाना पीना डॉट कॉम पे बन रहा है सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी ब्रेड पकौड़े, जो कि हम झटपट से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक शाउट आउट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप ऐसा देश है मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप डेली डेली ट्रैवलिंग ब्लॉग एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेड पकौड़े के लिए हम लेंगे, मैंने एक बड़ी कटोरी बेसन ली है, 2 से 3 प्याज मैंने कट कर लिए हैं, 8-10 कलियां लहसुन की मैंने कट करके ली है, 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली है और 7-8 मैंने सूखी वाली लाल मिर्ची ली है, 4 ब्रेड और 5 आलू मैंने बॉईल करके ले लिए। चलिए फटाफट से शुरू कर। हमने एक बड़ी चम्मच तेल का डाल लिया है कढ़ाई में। अब इसमें ये लाल मिर्ची को हम थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा इसे हमें भून लेना है। मिर्ची भून चुकी है, देखिए अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमने मिर्चियां निकाल ली है, बस इसी तेल में हमें लहसुन डाल लेना है, हल्का इसे भून लेंगे। देखिए लहसुन भून चुका है, हमें इसे हल्का ही भूनना है ताकि इसका थोड़ा कच्चापन चला जाए। अब इसी स्टेज पे हमने जो प्याज कट करके रखे हैं वो ऐड करना है। इसी के साथ हम 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखी है। आप तीखा जिस हिसाब से चाहें ऐड कर सकते हैं, अगर आप हरी मिर्च को स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये ब्रेड की आइटम है, इसमें ये तीखा चटपटा अच्छा बनेगा तो ये ज़्यादा टेस्टी होगी, ये ब्रेड पकौड़ा टेस्टी लगेगा। अब इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, हमें प्याज को हल्का ही भुनना है। बस इसी स्टेज पर हम इसमें 1/2 चम्मच नमक की ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हमें इसे और भुनना है। ये देखिए, बस इसी प्रकार से हमें प्याज को भुनना है। हमारे प्याज भी भुन चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने आलू को मैश कर लिया अच्छे से। अब इसे हम, ये देखिए, ये जो हमने लाल मिर्ची फ्राई की है इसे हम हाथों की मदद से थोड़ा क्रश कर लेंगे। हमने मिर्ची को क्रश कर लिया है, हम इसे ऐड कर देंगे इसमें। इस प्रकार से मिर्ची डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। जो क्रश नहीं हुई है उसे हमने नहीं डालना है, हम सारी मिर्चियों को इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमने जो प्याज को फ्राई किया था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे, मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक की ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच और ऐड कर रहे हैं हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हम ऐड करेंगे अमचूर पाउडर और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम बेसन की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम बेसन का एक बैटर सा बना लेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मिक्स हो चुका है। हमने बेसन ले लिया है, इसमें हम हल्का नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका हम बैटर तैयार करेंगे। हम पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करेंगे ताकि बेसन में लम्स न पड़े। ये देखिए, बैटर एकदम तैयार है, हमें इसी प्रकार से इसका बैटर बनाना है। अगर ये हमें गाढ़ा लगेगा तो हम पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम हल्का सा खाने वाला सोडा ऐड कर देंगे, हमने खाने का सोडा ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा बैटर तैयार है। एक बार हम इसे साइड कर देते हैं। ये ब्रेड है, हमने जो ब्रेड ली थी, अब इसमें हमको मसाला लगा के रेडी कर लेना है। ब्रेड में हमें इसमें अच्छे से, ये जो मसाला हमने तैयार किया आलू वाला, इसे अच्छे से हमें इसमें लगा लेना है। देखिए इस प्रकार से, मसाला में हमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से इसमें मसाला भरना है। देखिए हमने सभी जगह अच्छे से मसाला को लगा लिया है, हमने 2 ब्रेड में इस तरह से भर लिया है। अब इसे हम दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर लेंगे इस प्रकार से। ये ब्रेड को मैंने, देखिए, इस प्रकार से कट कर लिया है और मैंने तेल भी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं।
इसे इस प्रकार से डिप कर लिया है। अच्छी से इसे डिप करके तेल में फ्राई कर लेना। ये देखिए हमें इस प्रकार से बेसन में डिप करते हुए ब्रेड को फ्राई कर लेना है। देखिए हमने इसे पलट लिया है, इसे अब इसे इस साइड में भी हमें पकने देना है। हमें इसे अच्छी से थोड़ा फ्राई कर लेना है, कलर चेंज करना है इसका। ये अभी हमारा सिका नहीं है, देखिए इस साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी से पक चुका है। हमारी ब्रेड पकौड़ा एकदम से तैयार है। इधर से दूसरी साइड से भी हमें इसी प्रकार से पका लेना है। ये दोनों जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम जो हमने दूसरा तैयार किया है वो भी हम इसी प्रकार रेडी कर लेंगे। देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े एकदम तैयार है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए इसकी आवाज देखिए आप, कितने मजेदार से ये बने हैं। फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।